अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आज की वीडियो में हम ओप्पो F17 में उर्दू के फॉन्ट्स इंस्टॉल करना सीखेंगे। इसके लिए आपने कोई भी ब्राउज़र ओपन कर लेना है। मैं क्रोम ओपन कर लेता हूं और यहां पर आपको गूगल में सर्च करना है उर्दू फॉन्ट्स। उर्दू फॉन्ट्स सर्च करने के बाद यहां पर आपको पहला वेबसाइट देखने को मिलेगा urdufonts.net, तो आपने इसी को ओपन कर लेना है। इसको ओपन करने के बाद यहाँ पर आपको बहुत सारे उर्दू के फॉन्ट्स देखने को मिल जाएंगे। जो भी आपको पसंद हो आपने उसी को डाउनलोड कर लेना है। यहाँ पर साथ ही आपको डाउनलोड फॉन्ट का ऑप्शन देखने को मिलेगा, तो यहाँ से आपने डाउनलोड कर लेना है। अगर आपका डाउनलोड स्टार्ट नहीं हो रहा तो यहाँ पर क्लिकिंग पर क्लिक करके आप डाउनलोड स्टार्ट कर सकते हैं। ये आपके पास zip फाइल में डाउनलोड होगा, इसको एक्सट्रैक्ट करके आपने अनजिप करना है, जिसके लिए आपने फाइल मैनेजर में जाकर अपना फॉन्ट तलाश करना है और उसको ढूंढ कर अनजिप कर देना है, यानी एक्सट्रैक्ट कर देना है, TTF फाइल बना लेना है। तो यहाँ से आप किसी भी फोल्डर में उसको एक्सट्रैक्ट कर दें, एक्सट्रैक्ट ऑल पे क्लिक कर दें, तो यहाँ पर ये आपका एक्सट्रैक्ट हो जाएगा, यानी ये TTF फॉन्ट बन जाएगा। इसके बाद आपने बैक आ जाना है, देन आपने जाना है प्ले स्टोर में और यहाँ पर आपको Z फॉन्ट्स लिखना है, तो आपने यहाँ पर इस एप्लीकेशन को डाउनलोड कर लेना है। मैंने पहले से डाउनलोड किया हुआ है तो मैं इसको ओपन कर लेता हूँ। ओपन होने के बाद कुछ इस तरह का इसका इंटरफेस आपको देखने को मिलेगा, तो यहाँ पर आपको नीचे लोकल लिखा हुआ मिलेगा। इस ऐड को क्लोज कर दें, सॉरी। तो आपने यहाँ पर नीचे लोकल पर क्लिक करके AA से यहाँ पर अपना वहीं वाला फॉन्ट ऐड कर लेना है जो हमने अनजिप किया था, यानी TTF बनाया था। ऐड कर देने के बाद इसको अप्लाई कर देना है आपने। अप्लाई करने के लिए आपको यहाँ पर तीन ऑप्शन दिए जाते हैं, तो आपने सपोर्ट डाई करेक्टर बीच वाला सेलेक्ट करना है, यहाँ पर सॉरी सपोर्ट डाई करेक्टर बेस्ट जहाँ पर लिखा है, तो आपने इसके ऊपर क्लिक करना है। तो यहाँ पर ये जनरेटिंग होगा, थोड़ा सा टाइम लेगा। जनरेटिंग हो जाने के बाद ये आपको बताएगा कि आपने क्या करना है। तो यहाँ पर ये आपको कह रहा है कि आपने फर्स्ट ऑफ ऑल तो अपना रीजन चेंज करना है, पाकिस्तान से हटा कर इसको आपने म्यांमार कर देना है। तो यहाँ से मैं रीजन चेंज कर देता हूँ। रीजन अगर आपको नहीं मिल रहा तो आप सर्च करके भी इसको ढूंढ सकते हैं। तो यहाँ पर आपने रीजन को चेंज करके म्यांमार कर देना है। म्यांमार कहाँ, यहाँ पर नीचे होगा, यहाँ नहीं है तो शायद ऊपर होगा, मैंने पहले भी इसको लगाया था, तो म्यांमार कर देना है। म्यांमार जो ही आप करेंगे तो यहाँ पर आपको सपोर्ट डाई करेक्टर एक इजाफी ऑप्शन देखने को मिलेगा। अगर यहाँ पर ना मिले तो किसी मोबाइल में ये डिस्प्ले सेटिंग में होता है, इसको जब आप ऑन करेंगे तो आपका फॉन्ट ऑटोमेटिकली अप्लाई हो जाएगा। तो ये देखें मेरा फॉन्ट चेंज हो गया, यानी अप्लाई हो गया। इस तरह आप उर्दू का कोई भी फॉन्ट अपने मोबाइल पर लगा सकते हैं, चाहे वो जमील नूरी हो या कोई और फॉन्ट हो। तो इसके बाद मैं आपको चेक करवा देता हूँ कि फॉन्ट चेंज हुआ या नहीं हुआ। इसके लिए मैं मैसेज में जाकर आपको दिखा देता हूँ कि मेरा फॉन्ट चेंज होकर जमील नूरी नस्तलिक या कोई और भी आप लगा सकते हैं जो लगाना चाहें डाउनलोड करके। तो ये देखें मेरा फॉन्ट कम्प्लीटली चेंज हो गया। तो दोस्तों